ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनोरंजन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 7 से लेकर 14 तक रखी हुई है। यहाँ 3 संदेश हमको मिल जाते हैं। पहला, हमारे दृढ़ विश्वास के बारे में। दूसरा, हमारे प्रभु ईसा मसीह कृपालु और दयालु है। तीसरा, संगरे रास्ते में प्रवेश करने के बारे में। पहला संदेश हमारे दृढ़ विश्वास के बारे में। एक अच्छे उदाहरण है संत अगस्टिन के जिंदगी में। संत अगस्टिन इतना ही बुरे तरीके से जीवन बिताए गए एक व्यक्ति थे। उनके माँ मोनिका, उन्होंने अपने बच्चे के लिए, अगस्टिन के लिए निरंतर प्रार्थना की। लंबे सालों से उन्होंने प्रार्थना की। अंतिम में वह मन परिवर्तन आ गए, वह संत के रास्ते में आ गए। बाद में कैथोलिक कलीसिया में जाने माने एक संत वो बन गए। आज भी उनका पढ़ाइयाँ, उनका टॉक्स आज भी पढ़ाई के रूप में कैथोलिक कलीसिया में लेते हैं। एक निरंतर प्रार्थना करने का एक जवाब ईसा मसीह द्वारा मोनिका को मिल जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में हम सभी समय खड़खड़ाने हैं और सभी समय में प्रार्थना करना है और सभी समय में हम पूछना है। हमारे प्रभु ईसा मसीह हम ही लोगों को जवाब जरूर देगा। जैसे ही कुछ लोग सोचते हैं हमारे प्रार्थना करने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, इसलिए प्रार्थना में नहीं करूँगा, ऐसा एक विचार हम दूर हटाना है। निरंतर प्रार्थना करने के बारे में और आवश्यकता के बारे में पहला संदेश हमको मिल जाते हैं। और ये प्रार्थना करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम ही लोगों को दृढ़ विश्वास होना है। जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, तब वहाँ पे एक बदलाव आ जाते हैं। इसलिए दृढ़ विश्वास हम ही लोगों को एक मजबूत आदमी, मजबूत विश्वासी बनाते हैं। तीसरा है, हमारे प्रभु ईसा मसीह कृपालु और दयालु हैं। अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने सभी समय में प्रयत्न करते हैं। उनके पास जो भी आते हैं, कोई भी पार्शियलिटी और अलग विचार से उन्होंने नहीं देखते हैं। सभी लोगों को ईश्वर की ओर आने के लिए उन्होंने आमंत्रित करते हैं। इसलिए कोई भी दर्शन पाने के लिए आ जाते हैं, उन लोगों को दर्शन देते हैं। कोई भी चंगाई पाने के लिए उनके पास आ जाते हैं, उस समय में चंगाई प्राप्त देने के लिए वो सभी समय में तत्पर है, तैयार है। प्यारे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना भी, दूसरों के लिए प्रार्थना भी ईसा मसीह के सामने हम ही रखे और उनकी दयालु और कृपालुता हम भी अपनाने के लिए कोशिश करें। तीसरा है, संगरे रास्ते में प्रवेश करने के आवश्यकता के बारे में। संगरे रास्ता एक स्वर्ग राज्य में जाने वाला रास्ता है। ईसा मसीह एक अच्छे उदाहरण अपने जिंदगी द्वारा उन्होंने दिखाया। कालवरी पहाड़ी का एक यात्रा, वहाँ पत्थर थे, वहाँ कांटे थे, उन्होंने अनुभव किया। सहन का अनुभव हमारे जिंदगी में लाना है। जब भी सहन का रास्ते में, संगरे रास्ते में जाते समय में हम भी एक अच्छे शांति भाव का एक अनुभव, ईश्वरीय अनुभव, कलवारी पहाड़ पर ईसा मसीह जो अनुभव किए हम ही लोगों को मिल जाते हैं। एक अच्छे इंसान बनकर हम भी संगरे रास्ते में जाते हुए विश्वासी बनकर ईश्वर को अपनाने के आवश्यकता के बारे में एक संदेश हम ही लोगों को बताते हैं। वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाते हैं और थोड़े ही उसे पाते हैं।
और यहाँ एक आनंद जीवन के मार्ग के विशिष्टता पर जोर देते हैं। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए संकरे रास्ते हम ही लोगों को मदद करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये तीन चीज तीन संदेशों को हमारे मन में रखते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु ईसा मसीह हम सभी लोगों को आशीष दें।